आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में योग दिवस का नेतृत्व करेंगे। पीएम मोदी के साथ आज 7,000 लोग योग के साथ जुड़ेंगे। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने के बाद ये पीएम मोदी का पहला कश्मीर दौरा है और पीएम ने ये खास दिन चुना है। पिछले साल मई में इसी जगह पर G20 सम्मेलन हुआ था और आज यहाँ पर योग का परचम लहराएगा। इंडिया टीवी पर इस योग दिवस की सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखाएंगे और हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव भी जुड़ेंगे। हरिद्वार में योग साधना की कवरेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी आज योग दिवस के मौके पर श्रीनगर के शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे उसकी एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वो नभ हो या फिर स्थल हो, हर जगह पे देश की जो सेना हर वक्त 24 घंटे मुस्तैद रहती है, वो भी आज खास योग दिन के योग दिवस के मौके पर योग के सेशन में जुड़े हुए हैं। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, INS विक्रमादित्य भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर, जिस पर इस वक्त वहां मौजूद सेलर्स और ऑफिसर्स योग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। समुन्द्र की सीमाओं के जो पहरेदार हैं वो 24 घंटे समुद्र में तैनात रहते हैं, महीनों तक अपने परिवार से दूर रहते हैं। ऐसे में योग के जरिए वो अपने आप के शरीर को, अपने मस्तिष्क को चुस्त दुरुस्त रखते हैं ताकि वो देश की सेवा में 24 घंटे मुस्तैदी से काम करते रहें। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जवानों की सूर्य नमस्कार करते हुए और आज SKICC में आयोजित होने वाले योग सत्र में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। पीएम मोदी इस योग सत्र का नेतृत्व करेंगे और कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी जब पीएम मोदी संबोधन भी करेंगे। और इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है स्वयं और समाज के लिए योग, जो व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में योग की भूमिका पर प्रकाश डालता है। हर बार एक थीम होता है और इस बार का थीम सोसाइटी को भी बढ़ावा देगा योग करने के लिए। तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज। पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में योग करेंगे, डल झील के किनारे SKICC में योग करेंगे और कल शाम से भी SKICC सेंटर से तस्वीरें आ रही थी अलग अलग लोगों की योग करते हुए और काफी खूबसूरत तस्वीरें थी। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से 2015 से योग दिवस शुरू हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 से योग शुरू किया और ये संकल्प लिया 2016, 17, 18, 19, 20 और आज 2024 को कश्मीर में योग करेंगे पीएम मोदी। और सीधा हम रुख करते हैं हमारे सहयोगी हुसैन रिजवी का जो इस वक्त श्रीनगर में मौजूद है, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से आ रही है जहां पर योगी आदित्यनाथ और साथ ही उनके साथ हैं उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, जो इस वक्त योग दिवस के खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए पहुंचे हैं। तो तस्वीरें अब देश के अलग अलग हिस्सों से आने लगी हैं। योगी आदित्यनाथ जो पहले से ही लंबे वक्त से योग से जुड़े हुए हैं, लेकिन योग दिवस इस योग को और खास बनाता है। और साथ में ही दिल्ली की भी तस्वीरें अब सामने आने लगी है। तो लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ दिल्ली की तस्वीर है जहां पर खास योग सेशन का यहां पर आयोजन किया गया है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर यूपी से जहां पर योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, यहां पर भी योग का पूरा इंतजाम किया गया है। दूसरी तस्वीर दिल्ली में, हर बार यहां पर योग मनाया जाता है और खास तौर पर आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें देख सकते हैं कि कैसे युवा भी हैं और हर उम्र का व्यक्ति नजर आ रहा है जो योग के लिए काफी उत्साहित है। और अब कुछ देर बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हो जाएगी। तो दो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में योग दिवस के मौके पर खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और अच्छी बात है कि इसमें हर तबके के लोग पूजा शामिल होते हैं, हर उम्र के लोग इसके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि योग का मतलब ही यह है कि हर कोई इसमें जुड़े, समाज का हर एक तबका जुड़े, हर एक व्यक्ति हर एक उम्र का, चाहे वो किसी भी कोने से आता हो, दुनिया भर के लोग इस वक्त योगमय हैं। और इसका श्रेय मैं कहता हूं कि फिर से प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग की दिवस की शुरुआत उन्हीं के पहल की वजह से हुई है। और हुसैन हमारे सहयोगी लगातार कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुसैन, आप कश्मीर में कल से मौजूद हैं और कल से ही आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है योग को लेकर। अभी फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं हुसैन और क्या नजारा है आज वहां पर? ये नगीन लेक है और नजारा बहुत ही खूबसूरत है।
वैज्ञानिकों ने अभी ऐसा कोई कैमरा नहीं बनाया पूजा जिससे मैं एहसासात जो है वो अपने इंडिया टीवी के दर्शकों को दिखा पाता, लेकिन मेरे कैमरा सहयोगी अनिल मिश्रा जरा मुझे फॉलो करके थोड़ा सा इस तरफ को आइए और बच के आइएगा, बहुत फिसलन भी यहाँ पर है। वो ऊपर पहाड़ी पर जो तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है, मिश्रा साहब जरा वो दिखाइए। ये लहराता हुआ तिरंगा एक अजीब सा रोमांच भरता है और इस लेक पर जो पानी की बूंदें बरस रही हैं और जो भीनी भीनी खुशबू और जो तेज हवाएं आ रही हैं वो भी एक अजीब सा रोमांच पैदा कर रही है। और इसमें देखिए आप, शिकारा भी चल रहा है, लोग इस बारिश में भी यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ ले रहे हैं। और इसको अब आप जरा कनेक्ट कीजिए आज के इंटरनेशनल योगा डे से। प्रधानमंत्री अपने हर एक विजिट में जहां कहीं भी होते हैं वहां के टूरिज्म को बहुत प्रमोट करते हैं, तो आप आज अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री आज के कार्यक्रम के जरिए कश्मीर को किस तरीके से पूरी दुनिया के सामने पेश करने वाले हैं। और कश्मीर एक बेहतरीन मेजबान है, कभी आप जब कश्मीर आएंगी और किसी के यहाँ आप दावत के लिए जाएंगी तो वो इस तरीके से आपके सामने चीजों को परोसते हैं, आपको खिलाते हैं कि आप इनकार ही नहीं कर पाएंगे और आपको वो उठने भी नहीं देंगे। मतलब एक बेहतरीन मेजबान है कश्मीर, और उसने इस बार मेजबानी हासिल की है इंटरनेशनल योगा डे की। और मौसम बहुत शानदार है, तो जो लोग भी इस वक्त हमें देख रहे हैं जहां कहीं से इंडिया टीवी के दर्शक, अगर वो श्रीनगर कश्मीर अब तक नहीं आए हैं तो उन्हें आकर के देखना चाहिए। और आज के कार्यक्रम का एक मकसद ये भी है, प्रधानमंत्री इस बात को भी प्रमोट कर रहे हैं कि कश्मीर टूरिज्म का एक बड़ा हब बने ताकि कारोबार, रोजगार और जो यहाँ के लोग हैं उनकी जिंदगी और बेहतर हो सके। और ये खूबसूरत सा मौसम, ये खूबसूरत वादियां, ये झीलें, ये शिकारा, ये चिरार के पेड़, ये सब जो है खुशामदीद कह रहे हैं उन तमाम लोगों को जो कश्मीर की खूबसूरती को देखना चाहते हैं। वो जो एक शेर है फारसी का, गर फिरदौस बर रूए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। तो इस वक्त मैं ये वो महसूस कर पा रहा हूं, लेकिन मेरा कैमरा जो है वो एहसास को आप तक नहीं पहुंचाएगा, इसलिए मैंने लफ्जों के जरिए कोशिश की कि यहाँ की खूबसूरती को आप तक पहुंचाया जाए। हर तरफ इस वक्त धीमी धीमी बारिश हो रही है, हल्की बारिश हो रही है, और इसी बीच यहाँ से कई शिकारे भी आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग इस मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। वैसे आपने सही बोला कि कैमरा तो उस भाव को कैद नहीं कर सकता है, लेकिन हुसैन जिस तरह से आपके भाव हमने देखे, जिस तरह से आपके जो शब्द हैं उन्होंने व्याख्या की, आपने कश्मीर और साथ ही वहाँ की फिजा की, और साथ ही साथ आपने जो मेज़बानी का जिक्र किया कि अतिथि देवो भव, और मुझे लगता है कि शायद आपने वहाँ के वाजवान को चखी लिया होगा, इसी वजह से आपके जहन में वो मैं कहता हूँ खुशनुमा जो स्वाद है वो जाहिर से नजर आ रही है। लेकिन एक बात ये भी आपको समझना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का आज कश्मीर में जाना, श्रीनगर में जाना और 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस श्रीनगर से मनाना अपने आप में कई मायनों में अहम हो जाते हैं, चाहे उसके आप पॉलिटिकल यानी राजनीतिक मायने देख लीजिए, चाहे उसका आप अंतर्राष्ट्रीय मायना भी समझ लीजिए। और तीसरी चीज है जो संवाद है आम लोगों के साथ, वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस कार्यक्रम के जरिए, और ये मंजूर से बेहतर शायद कोई बता नहीं सकता हमें। मंजूर, आपने तो दशकों से राजनीति को भी देखा, घाटी में बदलती हुई तस्वीरों को भी देखा, तब में और अब में क्या बदलाव आपको नजर आता है? और जो मैं कहता हूं कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये बताता है कि कश्मीर ना सिर्फ बदला है बल्कि कश्मीर का जो वो पहलू था जो आप शायद अब तक छुपा हुआ था, ढका हुआ था, अब दुनिया के सामने वो उजागर भी हो रहा है। बिल्कुल अमित, कश्मीर का जब जिक्र होता है तो कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र ना हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और जो हम पिछले कुछ वर्षों से कश्मीर की तस्वीर देख रहे हैं यह बिल्कुल अलग तस्वीर है, बदलती हुई कश्मीर की तस्वीर दिख रही है जिसमें सबसे ज्यादा युवाओं का रोल सामने देखने को मिल रहा है। युवा किस तरह से बढ़ चढ़ कर जो है कश्मीर की हर चीज में जो है अब हिस्सा लेने लगे हैं। योगा दिवस की बात करें, एक ऐतिहासिक पल हम इसे कहें कि G20 के बाद एक सबसे बड़ा इवेंट जो है वो श्रीनगर में होने जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब से थोड़ी देर के बाद योग करेंगे, जिसमें 7,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे, जिनमें सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या देखने को मिलेगी। और जो हम पिछले कुछ दिनों से लगातार जिन्हें इस योगा के लिए ट्रेन किया जा रहा था, प्रिपरेशन हो रही थी, उसमें सबसे ज्यादा युवा ही शामिल थे जो प्रधानमंत्री के साथ आज योग करेंगे। तो यह अपने आप में बड़ी बात है कि कश्मीर में इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं जिनका कभी कश्मीर में जिक्र भी नहीं होता था। और यह सब कुछ जो है जब पहली बार
प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी बने तो उन्होंने कई नई खेलों का जो है आयोजन किया और जिसका कश्मीर में सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। स्टार्ट में ही जो उन्होंने खेलो इंडिया कप, जो 7000 लोग आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ेंगे, क्या वो किसी एक ही जगह से आएंगे, पूरे कश्मीर या जम्मू कश्मीर से यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर जुड़ेंगे? कौन कौन वो मेहमान होंगे जो आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शिरकत करने जा रहे हैं? और मंजूर ये भी बताइएगा क्योंकि काफी तादाद में आज लोग जुड़ने वाले हैं वहां पर, तो उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कैसी की गई आज वहां? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो पूरे श्रीनगर शहर को रेड जोन डिक्लेयर किया गया है। चपे चपे पर सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गई है। 24 घंटा डल लेक के चारों तरफ से जो है पहरा पहले से ही सख्त कर दिया गया है। ड्रोन उड़ाने पर जो है पाबंदी आयद की गई है। ये पहले से ही जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री का इवेंट है तो ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करना भी लाजमी है। रही बात जो है पीएम के इस इवेंट में, योग दिवस में जो 10वां इंटरनेशनल योग दिवस श्रीनगर के एसकेआईसीसी में मनाया जा रहा है, इसमें कहां कहां से लोग आएंगे, कश्मीर के करीबन 10 जिलों से जो है 7000 से ज्यादा लोग जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। हालांकि मौसम जो है उसने करवट बदली है, बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही है, लेकिन योगा पर इसका कोई भी असर जो है वो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों में काफी उत्साह है, जोश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 10वां योगा इंटरनेशनल डे जो है वो कश्मीर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर हम इस इतिहास पर नजर डालें तो प्रधानमंत्री योगा के दौरान जो हमने 9 देशों में इससे पहले देखा है, अलग अलग राज्यों में उन्होंने जो योग किया है, तो उन जगहों पर हमने ये नोट किया है कि वहां पर चुनाव जो है बाद में जरूर हुए हैं। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये इशारा दिया है कि जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा के चुनाव होंगे। जी, जाहिर सी बात है कि एक पहलू है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन खास बात यह है कि इस योगा मौसम बदला हुआ है। और हुसैन ने जैसे बताया, हुसैन वो आपके पास भी आएंगे और जानेंगे कि आपके पहुंचते हैं कैसे मौसम ने भी करवट ली है, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, आप उसी दिल्ली चलते हैं। राज्यपाल महोदय का उन्हीं के इस प्रांगण में प्रदेश की जनता की ओर से, योग साधकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये हम सबका सौभाग्य है कि योग दिवस के अवसर पर हम अपनी विरासत का स्मरण करते हुए भारत की ऋषि परंपरा के प्रति श्रद्धावनत होने का एक अवसर हम सब भारतवासियों को प्राप्त होता है। यह अवसर हमें दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके प्रयास से, जिनके विजन का परिणाम है कि आज दुनिया के लगभग 125 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जुड़ करके भारत की इस विरासत के साथ अपने आप को जोड़ करके भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को गौरवान्वित करने का प्रयास करेंगे। अपनी परंपरा के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति और अपने विरासत के प्रति इससे बड़ा सम्मान दूसरा नहीं हो सकता कि जो भी उन्होंने हमें दिया है, जो मानवता के अनुकूल है, देश समाज काल परिस्थितियों से बाधित होकर के संपूर्ण मानवता के मार्ग को प्रशस्त, कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है, उस कार्य के साथ अगर हम जुड़ते हैं और संपूर्ण मानवता को जोड़ते हैं तो यह अपने पूर्वजों के प्रति और अपनी विरासत के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा कही जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की ऋषि परंपरा के प्रति इसी श्रद्धा को व्यक्त करने का हम सबके लिए एक माध्यम बना है। आज स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत के मुकुट कश्मीर में श्रीनगर के डल झील पर हजारों योग साधकों के साथ योग के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। योग हम सब जानते हैं, हर भारतवासी जानता है कि योग
एक संपूर्ण विधा है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से एकजुट करता है। और आप देखें भारत की ऋषि परंपरा को, कितना उन लोगों के पास एक दूरदृष्टता थी, किस रूप में उन्होंने समाज को जोड़ा, धर्म को योग के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास किस रूप में हुआ। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म के दो हेतु हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। एक है इस लोक में सांसारिक उत्कर्ष यानी विकास के लिए, खुशी के लिए, खुशहाली के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए कार्य करना, और दूसरा है कि इस जन्म के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। यानी धर्म के ये दो हेतु भारत की ऋषि परंपरा ने हम सबको बताए हैं, और योग भी हम सबको उस परंपरा के साथ जोड़ने का कार्य करता है। याद रखिए, भारतीय मनीषा इसी बात को कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तभी पूर्ण हो सकते हैं जब ये शरीर आपका स्वस्थ हो, ये काया आपकी स्वस्थ हो। काया स्वस्थ है तो मन स्वयं ही स्वस्थ हो जाएगा। तो इस उन सभी साधनों को पूरा करने का माध्यम हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है? योग है। हर उम्र के व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के योग की विधाएं, वो बालक हो, युवा हो, अधेड़ हो, बुजुर्ग हो, उन सब के लिए योग की उतनी क्रियाएं हैं, उतनी विधाएं हैं। वह उसका अभ्यास करके अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकता है, और समाज या व्यक्ति या समाज और राष्ट्र अगर स्वस्थ है तो समुन्नत और सशक्त अपने आप ही हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग की जिस थीम के साथ आज पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर आयोजित हो रहा है, वह हमें योग सबके लिए, यानी इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें जाति का भेद नहीं है, क्षेत्र का नहीं है, भाषा का नहीं है, देश का नहीं है, काल का भेद नहीं है, अपने अपने अनुसार इस योग की विधा के साथ हर व्यक्ति जुड़ेगा। इसलिए आज हम सब इस अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामूहिक योगाभ्यास के साथ जुड़ करके हम सबको इसके लिए जोड़ने का कार्य किया है, और मेरा भी आप सभी से, प्रदेशवासियों से ही अपील होगी कि नियमित अभ्यास का हिस्सा इसको बनाए, नियमित अभ्यास का हिस्सा बनाए। देखिए कि कैसे यह परिवर्तनकारी होगा। आप चमत्कार की उम्मीद तत्काल मत करिए, लेकिन आप इसके नियमित अभ्यास के हिस्से बनते हैं तो एक समय आपको स्वयं एहसास होगा कि जो भी समय आपने योग के लिए समर्पित किया है वह आपके स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए, आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम समय रहा है, और उसमें हम लोग नियमित दिनचर्या से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो इसका हमें भरपूर लाभ प्राप्त होगा। एक बार फिर से मैं आदरणीय राज्यपाल महोदया का 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हृदय से मैं उनका आप स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, पूरे प्रदेशवासियों को इस योग दिवस की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब से लगभग 10 मिनट के बाद माननीय, तो यहाँ पर आपने योगी आदित्यनाथ को देखा, उन्होंने अभी लोगों को संबोधित किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीधे दार्जिलिंग से आ रही है, दार्जिलिंग की तस्वीर आप देखिए, जहां पर इस वक्त जो
हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस से जुड़े हुए तमाम जवान हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, वो भी आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इस खास कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर दिखा रहे हैं, साथ ही आप देख रहे हैं हरिद्वार में इस वक्त पतंजलि योग पीठ में जो बच्चे हैं वो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़े हुए हैं। स्वामी रामदेव भी यहाँ पर अलग अलग तबके के लोगों से बात कर, हर उम्र के लोगों से बात कर रहे हैं, जहां पर आपको बच्चे भी नजर आएंगे, 5 साल से लेकर 6 साल के बच्चे भी आपको यहां पर कठिन योग करते हुए नजर आएंगे, मलखम करते हुए नजर आएंगे, जो अपने आप में अद्भुत है और यह बताता है कि योग की ताकत कितनी है। चाहे वो 90 साल के बुजुर्ग हो या फिर 5 से 6 साल के बच्चे, हर कोई योग अगर करेगा तो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक स्वस्थ रहेगा, यही संदेश है और यही इस योग दिवस का मकसद भी है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक सीधे हरिद्वार से, स्वामी रामदेव जहां पर इस वक्त लोगों के बीच मौजूद हैं और इस वक्त वो हर एक व्यक्ति के उस योग से जुड़े हुए जीवन के बारे में बता रहे हैं या उनके उस एक्सपीरियंस को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, जिसके जरिए उन्होंने योग से खुद को स्वस्थ किया, अपनी बीमारियों को ठीक किया।